आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जेई मेन्स का है, जो एक्सरसाइज था उसके क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर के 105 तक देखेंगे, और एलिमेंट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में ये बताया गया है कि एक चार चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 कूलम है, वो 3000 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 1000 न्यूटन। अब ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, डेल्टा आर हमें 1 सेंटीमीटर, इसको हमें जो पुट करना है वो किस में, 1 मीटर में पुट करना है, तो कितना, 1/100 मीटर यहाँ पे पुट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो, देन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आर के साथ प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, तो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ DV/DR होता है। इफ E इक्वल्स टू अगर जीरो है तो पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या होगा, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल होता है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अलॉन्ग जाने पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस का कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, और हमने देख रखा है कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के अलॉन्ग भी क्या होता है, पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 में देखें तो 3 पॉइंट दे रखा है, ए बी और सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डिस्टेंस इनने दे रखा है हमें कि जीरो पॉइंट सॉरी बी दे रखा है हमें। ठीक है, हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो वी बी माइनस वी ए निकालना है, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो वी बी की जगह हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बी सी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वी बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वी सी के बराबर होगा, तो हम लोग वी बी माइनस वी ए को क्या लिख सकते हैं, वी सी माइनस वी ए, और वी सी माइनस वी ए को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू जो ये डिस्टेंस मतलब ए सी, और ए सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ई इंटू बी के बराबर। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, सी, लोअर पोटेंशियल ए। क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है, वही 91 जो है क्वेश्चन नंबर 89 ही है, तो आंसर तो डी होगा। 92 में देखें तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या होता है, जो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम, तो आंसर तो सीधा ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन है उसका इक्वेशन दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू 2x, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो एक बात हमने देख लिया है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इक्विपोटेंशियल लाइन के, तो इसका जो स्लोप होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो स्लोप होगा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m1 into m2 = -1, m1 की वैल्यू, m1 हम लोग क्या ले रहे हैं कि स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, m2 क्या ले रहे हैं, स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से m2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 जो है, 94 में ये दे रखा है कि ई को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है इसने 4ax² √z i कैप प्लस, ऐसे ही दे रखा है 2ax² √z j कैप प्लस ax² y/√z k कैप, यही दे रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स एक्स कम्पोनेंट निकाले तो क्या होगा, यही होगा एक्स कम्पोनेंट, और ये किसके बराबर, -∇v/∇x, तो वहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो ये इंटीग्रेट करेंगे ये हमारे वैल्यू आ जाएगी ई एक्स इक्वल्स टू सॉरी वी की वैल्यू -2ax² y/√z। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ से देखें तो सबकी वैल्यू सेम ही आएगी जी, चाहे हम लोग ई वाई से निकालें या फिर ई जेड से, तो पोटेंशियल वी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -2ax² y/√z, यानी ये इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस है तो उसके लिए वी क्या होगा, कांस्टेंट, तो जेड की वैल्यू ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 95 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 87 है। 96 में अगर देखते हैं
96 में दिया हुआ है कि एक पॉइंट ओ दिया हुआ है जिसको ओरिजिन लिया है, और दूसरा पॉइंट ए, ठीक है। ओ से ए की तरफ जा रहा है, ये डी हो गया, ये भी डिस्टेंस डी दिया हुआ है। एक पॉइंट ए है जिसका ये कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, डी डी जीरो। हमें निकालना है कि वी ए माइनस वी ओ निकालना है, ठीक है, सॉरी, हाँ, वी ओ माइनस वी ए। तो वी इक्वल्स टू क्या होगा, डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। डी आर की वैल्यू किसके बराबर, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ठीक है। यहाँ से अगर दोनों को इसकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या आएगा, ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई। ई एक्स की वैल्यू किसके बराबर, ई एक्स क्या होगा, ई एक्स ई कॉस थीटा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये किसके बराबर, ई कॉस थीटा इंटू डी, ये हो जाएगा ई एक्स इंटू डी। और ई वाई किसके बराबर, तो ई साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, डी। दोनों की वैल्यू निकाल ली। पॉइंट हम लोगों ने कहाँ तक, ओ से ए तक लिया, ओ से ए तक लिया। अब यहाँ से तो ये किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी ओ, हमें निकालना है वी ओ माइनस वी ए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ई डी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखते हैं। 97 में हमें दिया हुआ है, जो 97 है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इनने कितनी, 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 100 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। एक लाइन दे रखा है वाई इक्वल्स टू 3x, ठीक है। इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि दो पॉइंट दे रखा है 3,1 और 1,3, दोनों का पॉइंट क्या है, ए और बी है, मान लिया हमने दोनों के अक्रॉस ये पॉइंट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डी वी इक्वल्स टू फिर से लिखेंगे कि डी वी इक्वल्स टू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कितना, ई डॉट डी आर। यहाँ से क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर को फिर से जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा क्या लिखेंगे, ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई, 3 से 1, 1 से 3, ठीक है, ए से बी तक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स डी एक्स वैल्यू पुट करेंगे। ई एक्स की वैल्यू कितनी, तो ये थीटा कितना फॉर्मूला है, 45 डिग्री, ठीक है, थीटा 45 डिग्री। चूंकि ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, जो एक्स का कोएफिशिएंट वो 1 हो, यानी वाई इक्वल्स टू अगर हम लोग कंपेयर करें एम एक्स प्लस सी से, तो ये एम की वैल्यू कितनी है, 1, थीटा कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू कितनी, 100/√2। डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स वैल्यू पुट किया, फिर वैसे ही डी वाई का को इंटीग्रेट करके पुट किया, वहाँ से 0 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में दिया हुआ है कि एक स्क्वायर शेप का ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दे रखी, नहीं दे रखी अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। पॉइंट देखो, वी बी की वैल्यू और वी सी दोनों सेम दे रखा है, सॉरी, वी बी और वी डी दोनों दे रखा है किसके बराबर, वी बी और वी डी दे रखा है 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, ठीक है, यानी ये जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस होंगे। और ए और सी में सी का पोटेंशियल दे रखा है 8 वोल्ट और ए का पोटेंशियल 2 वोल्ट, ठीक है। हमें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग के डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो वी सी विल बी लेस देन, सॉरी, वी सी क्या है, ग्रेटर दैन वी ए है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो सी से ए की तरफ होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना, ए सी कॉस 45, ए सी कॉस 45 कितना, 0.2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए सी की वैल्यू, ठीक है, ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.2√2 के बराबर, यही मिलेगा। अब हमें देखना है कि वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए कितना है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट। और 6 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू जो ए सी जो डिस्टेंस है, वहाँ से ए सी की वैल्यू उठा करके पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखें, तो ये ऑलरेडी पहले ही डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 सेम है। 101 में क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल वी इक्वल्स टू 5x² + 10x - 9। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। यहाँ पे हम लोग जे और के कैप को इसीलिए कंसिडर नहीं किए क्योंकि जो वी है वो किसका फंक्शन है, केवल एक्स का। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 102 देखें, तो ये देख रहे हैं कि 102 में बोल रहा है डी ए डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो जो वोल्टेज है वो कितना है, 0, एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स पे हमें पोटेंशियल निकालना है।
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर की तरफ लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, माइनस ऑफ ई नॉट इन टू कितना एक्स, और वी एक्स माइनस कितना जो जीरो, वी एक्स माइनस जीरो, और ये वी एक्स माइनस जीरो को हमने क्या, वी एक्स की वैल्यू किसके और माइनस ऑफ ई नॉट इन टू एक्स, पोटेंशियल डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। अगर यहाँ पे ओरिजिन पे हायर पोटेंशियल तो जो एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखते हैं 103, 103 अगर देखें तो 103 में बोल रहा है कि एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट है जिसके ऊपर चार्ज दे रखा है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी दे रखा है। हमें 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कि कितने डिस्टेंस के बीच होगा। तो जो डेल्टा भी होता है वो कितना है, 5 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कितना डी, मैग्नीट्यूड ही यूज कर रहा है चूंकि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, वहाँ से वैल्यू पुट कर दिया हमने एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की वैल्यू, वहाँ से डी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 104 में अगर देखें, ये थोड़ा सा सही सवाल है, ये बोल रखा है कि ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट, ये 1.0.0 पे 8 वोल्ट है, 0.1.0 पे 8 वोल्ट और 0.0.1 पे 8 वोल्ट है। हमें जो पोटेंशियल निकालना है वो कहाँ पे, 1.1.1 पे। फिर से हमने किया कि डी वी इक्वल टू किसके बराबर, माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई डी वाई माइनस ऑफ ई जेड डी जेड, ठीक है। अब एक बार देखो जो ये जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी, तो ये जो माइनस ऑफ ई जेड ये 10 वोल्ट और ये कितना 8 वोल्ट, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो ये यहाँ पे कितना, माइनस ऑफ इसकी वैल्यू 2, इसकी भी 2 और इसकी भी कितनी 2 वोल्ट, तो यहाँ से कितना वी 1.1.1 माइनस ओरिजिन इक्वल टू माइनस 6, ये ओरिजिन का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 4 वोल्ट का। क्वेश्चन नंबर 105 में वी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। फिर से वही डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे कि ई इक्वल्स टू किसके बराबर, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड के कैप। वहाँ से उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू वाई, सॉरी ये वैल्यू पुट कर देनी है 1.1.1, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक दिया हुआ था। ये हमारा पोटेंशियल वाला पार्ट आज मेंस और एलिमेंट्री एक्सरसाइज डिस्कस हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एडवांस का, जेई एडवांस का जो ऑब्जेक्टिव है वो वाले सारे वीडियो सारे क्वेश्चन देखें। जो एलिमेंट्री एक्सरसाइज है, एलिमेंट्री एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि अगर एक पार्टिकल से, एक न्यूट्रल मेटल बॉडी है, उसमें से अगर 10^14 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो उसके ऊपर चार्ज निकालना, तो क्यू बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला पता है एन इंटू ई, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एन की वैल्यू 10^14 और ई की वैल्यू 1.6 × 10^-19, ठीक है, इतना चार्ज आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बोल रखा है चार्ज Q1, एक चार्ज Q1 है जो कि एग्जर्ट कर रहा है दूसरे चार्ज Q2 पे कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, मान लो ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। इफ थर्ड चार्ज Q0 या Q3 इज ब्रॉट नियर द नियर, अगर Q3 इसके पास लाया जाए, द फोर्स Q1 एग्जर्टेड ऑन Q2, ठीक है, द फोर्स ऑफ Q1 एग्जर्टेड ऑन Q2, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये जो होता है ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। कैसा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि जो सराउंडिंग में है वो कितने चार्ज प्रेजेंट हैं या नहीं है। हाँ, इस पर नेट चार्ज जरूर, नेट फोर्स जो होगा वो जरूर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फोर चार्जेज आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ से ये बोल रखा है कि ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को बी ले लिया, इसको सी और इसको डी, ये क्या है प्लस क्यू, ये माइनस टू क्यू, ये प्लस क्यू और ये कितना है प्लस टू क्यू। हमें ये बोल रखा है कि एक चार्ज जो है वो सेंटर पर रखा हो, उस पर फोर्स निकालो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू, अगर ये चार्ज
फोर चार्जेज आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर हो। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं इस पर, तो ये क्या करेगा, इस पर रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा इस पर इधर की तरफ रिपेल करेगा, ठीक है, चूँकि ये इस पर रिपेल करेगा और ये इस पर रिपेल करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा, ठीक है, वो किधर की तरफ, हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, नेगेटिव होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। तो आंसर क्या होगा कि अलॉन्ग बी डी, अलॉन्ग क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अलॉन्ग बी डी। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर देखें, क्वेश्चन नंबर फोर, थ्री चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये वर्टेक्स यहाँ से बोल रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे प्लस कैपिटल क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, ये रखा हुआ है, हमें रखा बोला जा रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए, इसके ये जो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये कैपिटल क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, एफ वन मान लेते हैं, और ये कैपिटल क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये कितना, एफ टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एफ वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ टू, ये कितना एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री, चूँकि इक्विलैटरल है, ये 60 डिग्री, ठीक है। एफ वन एफ टू की वैल्यू किसके बराबर, तो ये अगर मान लो ये साइड दे रखा है ए, तो ये एफ वन एफ टू कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर, दो वेक्टर हो गए जिनके बीच का एंगल हमें पता है 180 डिग्री, वहाँ से हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव अगर देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर फाइव, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज कैपिटल क्यू, ठीक है, दो चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, एक कैपिटल क्यू ये रखा हुआ है और एक कैपिटल क्यू ये रखा हुआ है, और चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू, एक बार देखो ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे रहना है तो इसके लिए तीनों चार्जेज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे, तो ये अगर r डिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा, r बाई टू, ये भी r बाई टू। इक्विलिब्रियम के लिए हमें फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। यानी उसके लिए अगर देखें तो सपोज मान लेते हैं कि ये क्या है, ये इसके कारण ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और अगर ये जीरो है तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी ये अपोजिट डायरेक्शन होंगे, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से फोर्स अगर जीरो हुआ तो के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर बाई टू का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करेंगे हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर सॉल्व कर लेते हैं अपने पास ये स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, हमें क्यू की वैल्यू पता है कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। वैसे ये चीज़ ध्यान भी रखना कि अपने पास जब भी अगर इस तरीके का सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता है तो उस केस में क्या रहना चाहिए कि इन दोनों चार्जेज का अपोजिट नेचर का ये होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपने वेट के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो एम जी इधर की तरफ, ठीक है, और अगर मान लो ऊपर के डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, तो क्यू ई इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखें, क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज 25 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड 36 माइक्रोकूलम, ठीक है, इज 11 सेंटीमीटर, इन दो चार्जेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू द इंटेंसिटी विल बी जीरो, ठीक है। यहाँ मान लो अपने पास इधर की तरफ जीरो हो सकता है, क्योंकि इसके कारण 25 माइक्रोकूलम के कारण इधर की तरफ, 36 के कारण इधर की तरफ, तो ये मान लो एक्स यहाँ पे कितना है, 11 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम, तो क्या लिख सकते हैं, के इंटू 25 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स स्क्वायर,
ये किसके बराबर, तो के इन टू 36 माइक्रो कूलम अपॉन 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोनों सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर देख लें, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप। ठीक है, ये 10^-5 एक वाटर ड्रॉप है जिसका रेडियस दे रखा है इन्हें कितना, 10^-5 सेंटीमीटर। अगर ये एयर में सस्पेंडेड रह रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिक्वायर्ड, ठीक है, सस्पेंडेड व्हेन चार्ज विथ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो फिर से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स क्यू ई, और नीचे क्या होगा एम जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्यू ई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एम जी के बराबर। ठीक है, क्यू की वैल्यू किसके बराबर, तो 1.6 × 10^-19, जो मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना 1000 kg/m³, और वॉल्यूम हमें पता है 4/3 πr³। ठीक है, ये हमें किस में पुट करना है, पुट इन मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो ये बोल रखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखा है कुछ, और ये बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमें बताता है क्या, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ए की फील्ड इंटेंसिटी और सी दोनों जगह डेंसिटी क्या है, सेम है, और बी की डेंसिटी क्या है, कम, तो ई ए इक्वल्स टू क्या होगा, ई सी, और ये ग्रेटर देन किससे होगा, ई बी। देख लेंगे अपने पास जो भी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर टेन में बोल रखा है कि फोर चार्जेज आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, चार चार्ज है एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, सेंटर पे फोर्स निकालना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। ठीक है, ये सारे चार्जेज हैं, ये कैपिटल क्यू, ये -2Q, ये -Q और ये +2Q। ठीक है, सेंटर पे चार्ज निकालना है, सेंटर पे फोर्स निकालना है। ठीक है, ये साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसके कारण क्या होगा, इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, इन दोनों के कारण इधर और इसके कारण इधर की तरफ। ठीक है, जो नेट होगा ये हमारा मान लेते हैं अगर पॉइंट ए बी सी डी, तो ये जो हुआ वो किसके कारण, तो ई ए का डायरेक्शन, ये ई सी का डायरेक्शन, ये ई डी का डायरेक्शन और ये ई बी का डायरेक्शन। ठीक है, ई ए की वैल्यू देख लेते हैं, ई ए इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ई ए इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5√2/2। तो अगर पॉइंट ओ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू कितना, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, और ये सब किसके बराबर, तो 5√2/2 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं आर, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबके डायरेक्शन ले लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट वहाँ से वेक्टर एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था एलिमेंट्री एक्सरसाइज और जेई मेंस का एक्सरसाइज। कल हम लोग शुरू करेंगे जो जेई एडवांस का जो पूरा पार्ट है, वो अगले वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो भी है अभी तक दिया गया आप लोग पोटेंशियल पार्ट, तो वहाँ तक का सॉल्यूशन। ठीक है।